हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही सिंपल मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। इस लुक को क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए 10 से 15 मिनट। ऑफिस या कॉलेज जाने के लिए आप इस लुक को ट्राई कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते आज की वीडियो। मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है और अभी मेरे फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। मैं फर्स्ट स्टार्ट करूंगी एक मॉइस्चराइज़र से और आज मैं प्लम का डे मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहिए तो अपना फेवरेट कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैं अपने फेस पे सनस्क्रीन लगा लूँगी। आज मैं VLCC का सनस्क्रीन यूज़ करूँगी। ये सनस्क्रीन को मैं अपने पूरे फेस पे और नेक पे लगा लूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैं फाउंडेशन लगा लूँगी अपने फेस पे। नॉर्मली मुझे BB क्रीम लगाना उतना अच्छा नहीं लगता है, पर मुझे फाउंडेशन लगाना अच्छा लगता है। तो आप भी अपने कोई पसंद का फाउंडेशन लगा सकते हो या फिर BB क्रीम लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है, पर मुझे फाउंडेशन लगाना अच्छा लगता है। मैं बहुत ही कम प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाऊंगी ताकि एक इवन लुक मिले, ना कि कुछ ऐसा लगे कि मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई कर लिया है। फाउंडेशन को ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी होता है अच्छे से, और एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से मैं अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी। और जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे रीअप्लाई करना चाहिए, मैं वहाँ वहाँ पे फिर से रीअप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैं एक स्पूली की हेल्प से अपने आईब्रोज को अच्छे से सेट कर लूँगी। आईब्रोज के लिए आज मैं NYX का केक पाउडर को यूज़ करूँगी। एक एंगल ब्रश को यूज़ करके मैं ये कलर को अपने आईब्रोज पे लगा लूँगी। नेक्स्ट मैं दूसरे आईब्रो को भी फिल कर लूँगी। आईब्रोज को फिल करने के बाद मैं अपने फिंगर्स को यूज़ करके थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी। ये करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आईब्रोज को सेट करने के लिए मैं NYX का टिंट मस्कारा यूज़ करूँगी अपने आईब्रोज पे। ये टिंट मस्कारा आईब्रोज को सेट करके रखेगा और ऐसा लगेगा कि ये नेचुरल है। लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं Maybelline का बेबी लिप्स को यूज़ कर लूँगी। आईलाइनर के लिए मैं आज Maybelline कोलोसल लाइनर को यूज़ करूँगी। ये आईलाइनर पेन शेप में आता है और उसको अप्लाई करने में बहुत इजी होता है। अगर आप जल्दी में आईलाइनर बना रहे हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं आज कोई भी विंग क्रिएट नहीं करूंगी, मैं सिंपल रखूंगी जितना हो सके। दोनों आंखों पे लाइनर लगाने के बाद मैं अपने फेस पे पाउडर लगा लूंगी अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए। मैं आज स्टार कॉस्मेटिक का ये पाउडर यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लूंगी एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। पाउडर को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये इवन लुक दे। ये पाउडर बहुत ही अच्छा है, ये एक ग्लो फिनिश देता है।
पाउडर सेट होने के बाद मैं थोड़ा सा मस्कारा लगा लूँगी अपने आई लैशेस पे। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको नहीं भी लगा सकते हो या फिर आप लगा भी सकते हो, पर मुझे ये लगाना बहुत अच्छा लगता है। इस वीडियो में मैंने जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ किया है, मैं उन सबका नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप लोग चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं अपने लिप्स पे एले गर्ल का लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर लूंगी। ये शेड का नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। सो दिस इज माई कंप्लीटेड लुक। आई होप आप लोगों को ये लुक अच्छा लगा है। आप लोग इस लुक को ट्राई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बहुत ही कम सामानों का यूज़ किया है। आप लोग अपना फेवरेट सामान का भी यूज़ करके ये लुक को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।